रिसेंटली आपने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को न्यूज में देखा होगा, आज बात इसी की। एक रिपोर्ट के हिसाब से 2019 के लोकसभा इलेक्शन दुनिया के सबसे महंगे इलेक्शन थे। दुनिया के टोटल एक्सपेंडिचर 55,000 करोड़। शायद एकदम से दिमाग की बत्ती ना जले कि यार इतना खर्चा कैसे हो सकता है। आपको बता दूं कि इलेक्शंस में जो सबसे बड़ा जो खर्चा होता है वो है इलेक्शन कैंपेन। कैंपेनिंग में खूब पैसा खर्च किया जाता है, पानी की तरह बहाया जाता है आप कह सकते हैं। तो बेसिकली जो कैंपेन होती है उसका काम सिर्फ ये है कि वोटर्स तक ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसा कम्युनिकेशन पहुंचाना जिससे वो अपना वोट आपको दे दें। ये कैंपेन का बेसिक एक रीजन है। तो इस कम्युनिकेशन के लिए आप देख सकते हैं, सोच सकते हैं कि रैलियां होती हैं, यात्राएं होती हैं, स्पीच दिए जाते हैं, कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, विजुअल मीडिया का इस्तेमाल होता है। तो आप टीवी, मीडिया, न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो, आजकल तो ईमेल, फोन, एसएमएस, व्हाट्सएप, ये सब भी चल रहे हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया तो है ही, जिसमें एड्स हो सकते हैं, फेसबुक के एड्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इनके एड्स, बैनर्स हो सकते हैं, बिलबोर्ड्स लगाए जाते हैं शहरों में, यहाँ तक कि दीवारें भी पोती जाती हैं। तो अब इंडिया जितने बड़े देश में बोथ पॉपुलेशन वाइज और ज्योग्राफिकली भी, अगर आपको अपना मैसेज वोटर्स तक पहुंचाना है देश के कोने कोने तक, तो इसमें खर्चा तो बहुत ज्यादा हो गई। और ऐसा भी नहीं है कि बस एक बार में काम खत्म हो जाएगा, एक बार आपका मैसेज पहुंच गया और काम खत्म, क्योंकि आपको ये कम्युनिकेशन, आपका मैसेज बार बार वोटर के पास जाना चाहिए, वरना शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस के चलते वोटर आपको भूल भी सकता है। तो 2019 का जो लोकसभा इलेक्शन था वो 7 फेज में हुआ था, और नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी ने 140 से ज्यादा रैलीज की थी। तो बार बार लगातार पब्लिक के सामने आना भी जरूरी है, और ये सब एक्चुअली बहुत महंगा काम है। तो इतना पैसा इन पार्टीज के पास आ कहाँ से रहा है? मेजोरिटी तो डोनेशन ही है। अब ये डोनेशन अगर कैश में होगी तो हो सकता है अनअकाउंटेड, या कहें कि बिना टैक्स पे किया हुआ अगर पैसा है तो वो ब्लैक मनी है, उसका इस्तेमाल हो सकता है। तो इसको कर्ब करने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि इधर कैश का लेन देन नहीं है, सब काम इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, अभिषेक थोड़ा डिटेल में हमको बताने वाले हैं। आज हम बात करने वाले इलेक्ट्रोल बॉन्ड की। इलेक्ट्रोल बॉन्ड है क्या? जैसे कि शोएब ने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि इलेक्शन में पानी की तरह पैसा लगता है। अभी पैसा आता कहाँ से है? तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड किसकी शुरुआत की गई थी 2016-17 में। इसमें इलेक्ट्रोल बॉन्ड में ये है कि कोई भी इंडिविजुअल या कंपनी अगर गवर्नमेंट को डोनेशन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देना चाहती है तो वो बॉन्ड के थ्रू दे सकती है। अब बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड सिंपल एक पेपर होता है जिसमें ये लिखा हुआ होता है कि एक 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 अमाउंट लिखा हुआ होता है, और वो जो बॉन्ड जिसके पास भी जिसको भी दिया जाता है वो जिसके पास होता है वो अपनी बैंक में जाकर उसको इन कैश कराया जा सकता है। अभी इलेक्ट्रो बॉन्ड परचेस कैसे किए जा सकते हैं? तो जैसे मैंने बताया कि कोई भी इंडिविजुअल या कंपनी ये बॉन्ड परचेस कर सकती है। इसको परचेस करने के लिए आपको SBI में जाना पड़ेगा। SBI में आपको एक नॉर्मल KYC करके आप ये बॉन्ड परचेस कर सकते हैं। ये जो बॉन्ड्स है ये मल्टीपल ऑफ रहते हैं थाउजेंड्स में, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़। कोई भी कितने भी बॉन्ड खरीद सकता है, इसमें कोई अपर लिमिट नहीं है। आपने ये बॉन्ड खरीदे, आप SBI की ब्रांच में गए, सभी ब्रांच पे नहीं लगते ये बॉन्ड्स मिलते हैं। SBI की कुछ सिलेक्टेड जो ब्रांचेस हैं वहां पे ही आपको ये इलेक्ट्रो बॉन्ड मिलेंगे, और ये पूरे साल अवेलेबल भी नहीं रहते कि आप चाहे कि मैं आज जाके बॉन्ड खरीद लूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसकी टाइम रहती है, साल में 4 बार इसकी एक विंडो खुलती है। वो 4 बार कब खुलती है? एक तो जनवरी में, अप्रैल में, जुलाई में और अक्टूबर में। 10 दिन के लिए विंडो खुलेगी। जब ये विंडो खुलेगी तब आप जिस जो भी सिलेक्टेड SBI की ब्रांचेस है जहाँ पे बॉन्ड मिल रहे हैं वहां पे जाके आप बॉन्ड खरीद सकते हैं। मैंने इसे बताया कि मल्टीपल ऑफ थाउजेंड्स, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ के मल्टीपल्स में रहते हैं। वो बॉन्ड आप खरीदेंगे। बॉन्ड मतलब एक पेपर रहता है जिसपे ये लिखा, उसकी वैल्यू लिखी रहेगी कितने का ये बॉन्ड है, और आप कितने भी बॉन्ड खरीद सकते हो, और वो बॉन्ड जाके आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर सकते हो। अब वो पॉलिटिकल पार्टी क्या करेगी? वो अपनी बैंक के पास जाएगी बॉन्ड लेके, और उसको इनकैश करा रहेगी जितनी उस बॉन्ड की वैल्यू है।
इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है कि ये जैसे कि आपने सपोज की एफडी ओपन की है तो उसको जितने भी ड्यूरेशन के लिए रहती है आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है। सिंपल जितने का बॉन्ड है, सपोज आपने 1 करोड़ का बॉन्ड खरीदा है और किसी पॉलिटिकल पार्टी को 1 करोड़ दिए, तो 1 करोड़ रुपए ऊपर पॉलिटिकल पार्टी अपने अकाउंट में इनकैश करा सकती है। और जिस तारीख पे बॉन्ड खरीदा गया है उसको 15 दिन के अंदर इनकैश कराना पड़ता है। अगर 15 दिन में इनकैश नहीं हो तो जो पीएम रिलीफ फंड है उसमें वो उस बॉन्ड का पूरा पैसा चला जाता है। तो 15 दिन का ही टाइम है। इस बॉन्ड में कौन खरीद रहा है वो है इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं रहती। आप जिस भी एसबीआई में जा रहे हैं वहां पे आपको सिंपल केवाईसी करना है। बॉन्ड पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि किसने खरीदा है ये बॉन्ड, किसने कौन दे रहा है, उसकी कोई रिटर्न नहीं रहती। केवल सिंपल उस बॉन्ड की वैल्यू रहती है और पॉलिटिकल पार्टी अपने आपको जिसके पास जिसको दिया जाता है वो इनकैश कर सकती है। अब किस पॉलिटिकल पार्टीज को आप दे सकते हैं, तो ऐसी सभी पॉलिटिकल पार्टीज को दे सकते हैं जिसको किसी लोकसभा या विधानसभा के इलेक्शन में 1% से ज्यादा वोट मिले हो, यानी जितने वोटिंग हुई है किसी भी लोकसभा या विधानसभा चुनाव में, तो उसमें आपको अगर उसमें आपको 1% से ज्यादा वोट मिले हैं तो आप ये बॉन्ड रिसीव कर सकते हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रिसीव कर सकती है और उस पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन कमीशन से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। तो इसकी शुरुआत इसी क्यों की गई थी कि एक तो ये था कि जो ब्लैक मनी है कि जो पॉलिटिकल पार्टी डोनेशन मिलता है कैश में उसको एलिमेंट किया जाए, जो भी देना चाहता है बॉन्ड के थ्रू दे, जो बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन है। तो ये बोला गया था कि इससे जो जो इलेक्शन ब्लैक मनी आती है उस वो कम होगी। बट जब ही से ये लॉन्च हुआ है 2016-17 से, तब से इसका विरोध चल रहा है। रिसेंटली ये न्यूज में इसलिए आया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 31 अक्टूबर से इस पे सुनवाई चालू हुई है, जो कि इस पे कई लोगों ने केसेस लगाया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड बंद होना चाहिए या इसमें चेंजेस किए जाना चाहिए। तो जिन लोगों का ऑब्जेक्शन है या जिन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया है तो उनके पास उनके क्या ऑब्जेक्शन में वो हम डिस्कस करते हैं। तो जो सबसे पहला जो ऑब्जेक्शन है इस इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके वो ये है कि ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है उसके अंदर नहीं आता है। अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, पब्लिक को इंफॉर्मेशन चाहिए कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कितने इलेक्टोरल बॉन्ड मिले हैं ये तो पता पड़ जाएगा, बट किसने दिए वो नहीं पता पड़ता है क्योंकि इसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं रहती कि कौन व्यक्ति या कोई कंपनी किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा दे रही है इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू। तो ये इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकती। अगर आप चाहें कि मैं आरटीआई के तहत जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है उसके अंतर्गत मैं अगर ये इन्फॉर्मेशन चाहूँ कि किस पॉलिटिकल पार्टी को किस कंपनी ने या किस पर्सन ने कितने इलेक्टोरल बॉन्ड दिए, तो वो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। दूसरा ये बोलना है कि इसमें जैसे कोई आप इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है तो लॉबिंग और फेवरिंग का भी चांसेस रहता है कि कोई भी कंपनी या कोई भी व्यक्ति सरकार में हमें लॉबिंग करके अपना काम करवा रहे और उसके बदले वो इलेक्ट्रो बॉन्ड परचेस करके उस पार्टी को दे दे जिस पार्टी की सरकार है। तो ये एक करप्शन है, यानी मैंने लॉबिंग हो गई है एक तरह से, उसको पैसे दिया है उन्होंने किसी कंपनी ने या किसी व्यक्ति ने अपना काम कराने के लिए। वो सरकार जो रूलिंग पार्टी है उसको पैसा दे सकता है और इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगी कि किस व्यक्ति ने या किस कंपनी ने पैसा दिया है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई ऑयल कंपनी आपकी पार्टी का सबसे बड़ा डोनर है, तो क्या आप उस ऑयल कंपनी के पैसों पर लड़े चुनाव जीतने के बाद ऑयल कंपनीज के अगेंस्ट या इस फील्ड में, इस इंडस्ट्री में कोई ऐसा रेगुलेशन बना सकते हैं? फॉर एग्जांपल कि भाई ये जो बिजनेस है ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है, ऐसा तो आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बल्कि इसका उल्टा आप ये करेंगे कि ऐसे रेगुलेशंस बनाए जाएं, ऐसी इन्वायरमेंट ऐसा बनाया जाए जिससे ऑयल कंपनीज को सस्ता ऑयल मिले जो वो महंगे में बाद में एक्सपोर्ट कर पाए। तो क्या ये करप्शन नहीं है? अल्टीमेटली पैसा लेके कुछ फेवर किया जा रहा है, एंड इसमें इन द प्रेजेंट सिचुएशन कुछ भी इलीगल नहीं है। वही पॉइंट है कि यहाँ पे कोई भी कंपनी है या कोई भी आदमी है सरकार से अपना काम करा सकता है, उस काम के बदले उनको इलेक्ट्रो बॉन्ड दे रहा है क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन जा नहीं रही है। तीसरा जो इसमें है कि कई एक शेल कंपनियां खड़ी हो सकती है काफी, उनका काम ही यही रहे कि वो केवल इलेक्ट्रो बॉन्ड खरीद के पॉलिटिकल पार्टी को पैसा दे, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कौन कंपनी दे रही है
इसके पहले जो सिस्टम था उसमें ये था कि कोई भी कंपनी अपने प्रॉफिट का 7.5% से ज्यादा या टोटल रेवेन्यू का 10% से ज्यादा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन नहीं दे सकती थी। अब इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई भी कंपनी कितनी भी वैल्यू के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकती है, जब भी खुलेगी तब खरीद सकती है। ऐसा नहीं है कि आप साल में एक या दो बार ही खरीद सकते हैं, आप जितनी बार आप साल में खरीदना चाहे जब भी इस विंडो खुलती खरीद सकते हैं, कितनी वैल्यू में खरीद सकते हैं। तो ये भी डर है, या ये ऑलरेडी कई कई कंपनी शेल कंपनियां बना दी है कि केवल नाम की कंपनी है, उससे दूसरे रूट से पैसा उस कंपनियों में डाला जा रहा है और वो कंपनियां इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीद के पॉलिटिकल पार्टियों को पैसा दे रही है। दूसरा ये था। और इसमें जब ये हुआ था, जब ये इसकी शुरुआत हुई थी, तो उसमें जो पर्पस कहा गया था कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डरने इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा चाहिए रहता है, वो पैसा एक ऑथेंटिक सोर्स से आया, ऐसी इलेक्ट्रोल बॉन्ड लाए जा रहे थे। बट इलेक्ट्रोल बॉन्ड लाने के बाद ये हुआ है कि उस पैसे का यूज केवल इलेक्शन में हो रहा है या फिर दूसरी जगह ही हो रहा है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता है। किसी पॉलिटिकल पार्टी को कोई इलेक्ट्रोल बॉन्ड मिला है तो उसका उससे उस पैसे मिले हैं वो कहाँ यूज किए हैं, इसकी भी जानकारी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं देना पड़ती। बस उसको ये बताना पड़ता है कि हमें इतने पैसे इलेक्ट्रोल बॉन्ड के थ्रू मिले हैं, पर वो पैसा कहाँ उन्होंने खर्च किया है, किस पर्पस में खर्च कर रहे हैं, वो बताना नहीं जरूरी है। तो एक तो सोर्स ऑफ फंड इसमें, एक तो सोर्स कौन है वो पता नहीं पड़ रहा है, दूसरा वो पैसा कहाँ खर्च हो रहा है वो भी पता नहीं पड़ रहा है। तो एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं है। दूसरा एक जो दूसरा रीजन जो बताया जा रहा है कि वही कि एक से करप्शन प्रमोट किया जा रहा है इंडायरेक्टली, एक तरह से लीगलाइज कर दिया गया है करप्शन को, कि कोई भी व्यक्ति अपना काम कराए और उसके बदले इलेक्टोरल बॉन्ड से उस पॉलिटिकल पार्टी को पैसा दे, चाहे कोई भी हो सकती है, रूलिंग पार्टी हो सकती है, अपोजिशन पार्टी हो सकती है, क्योंकि इसमें ना सोर्स का पता पड़ रहा है ना पैसा कहाँ खर्च हो रहा है वो पता पड़ रहा है। दूसरा ये देखने में आया है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिख रही है अभी तक, जब से 16-17 से इलेक्टोरल बॉन्ड चालू हुए है, तो ये देखा गया है कि जो रूलिंग पार्टी है उसको सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड मिल रहा है। जितने भी अभी तक इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए हैं उसमें से मोर देन 50% रूलिंग पार्टी को दिए गए हैं, रूलिंग पार्टी के पास इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा आया है। तो एक फेयर फील्ड नहीं है कि सभी पार्टियों को एक बराबर अमाउंट मिल रहा है, जो रूलिंग पार्टी है उसको ज्यादा पैसा मिल रहा है। तो ये सब इशू को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट की वो सुन रही है, 31 अक्टूबर से इसकी सुनवाई हुई है और इसकी सुनवाई अभी चलेगी और वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है ये जो भारत का संविधान है, जो भारत का कानून है, उसके हिसाब से सही है कि नहीं है, कि ये इनलीगल है, या इसमें कुछ अभी जो मौजूदा जो उसका फॉर्मेट है इलेक्ट्रो बॉन्ड का उसमें कुछ चेंजेस करने चाहिए। एक बात ये भी है कि 2017 में अरुण जेटली ने इसे इंट्रोड्यूस किया था अपने बजट के प्रेजेंटेशन में, जब वो बजट प्रेजेंट कर रहे थे, तो ये एज ए मनी बिल इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इस तरीके का एक सिस्टम, इलेक्ट्रोल बॉन्ड का सिस्टम, क्या ये मनी बिल हो भी सकता है या नहीं? क्योंकि मनी बिल सिर्फ लोकसभा में पास हो जाए तो वो पास हो जाता है, राज्यसभा वो जाता नहीं। राज्यसभा में उस जमाने में बीजेपी की मेजोरिटी थी नहीं, तो हो सकता है शायद इसलिए इसे मनी बिल के थ्रू के रूप में इसे पास करवाया गया हो। तो ये भी एक इशू है जो देखा जा रहा है। फाइनली एक बात मैं और ऐड करूं यहाँ पे, कि जो आम आदमी पार्टी है वो एक ज़माने में अपनी वेबसाइट पर अपने सारे डोनर्स के नाम पब्लिश करती थी, मतलब हमें किन किन ने चंजा चंदा हमें दिया है, कौन कौन लोग हैं वो, उनकी सारी इंफॉर्मेशन उनकी वेबसाइट पर होती थी। लेकिन फिर 2018 में पार्टी ने ये लिस्ट अपनी वेबसाइट से हटा ली, क्योंकि उनके डोनर्स का कहना था कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज उनको हैरेस कर रही हैं। तो डोनर्स की इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड एक तरह से ठीक है, बट एंड ऑफ द डे इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू डोनर की इंफॉर्मेशन एसबीआई के पास तो है ही, एसबीआई गवर्नमेंट बैंक है। अगर गवर्नमेंट के पास ये इंफॉर्मेशन है तो गवर्नमेंट बॉडीज लाइक सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, ये सब भी एक्शन में आ सकती हैं। तो कुल मिला के इसका मतलब ये हुआ कि अगर डोनर्स की इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल है तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी डोनर को परेशान कर सकती है, और डोनर की इंफॉर्मेशन अगर सिर्फ एसबीआई के पास है तो कोई भी गवर्नमेंट बॉडी फिर आके डोनर को परेशान कर सकती है। तो आप सोच सकते हैं कि जब ये आगे कुआं और पीछे खाई वाली सिचुएशन है,
तो किसी को भी डोनेट करने की जरूरत क्या है। और इसका एक जगह मैंने सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये पढ़ा था, सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन ये पढ़ा था कि अल्टीमेटली बॉन्ड्स जो होते हैं, बॉन्ड्स एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होते हैं, जैसे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, तो वैसे ही इलेक्टोरल बॉन्ड भी है। आप समझ सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि ये एक बॉन्ड है, एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, और इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो बहुत तगड़ा है, और दुनिया के हर बॉन्ड से कई गुना ज्यादा है। तो इसलिए लोग चाहते हैं कि वो इन बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट करें। तो फिलहाल इस कॉल में इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे। देख लीजिए, टेक केयर।